पहले स्टूडेंट चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ्स पढ़ना। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग 5.4 एक्सरसाइज का 12th एनसीईआरटी मैथ्स से हम लोग सॉल्यूशन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 3 तक प्यारे छात्रों हम लोग बढ़िया से सॉल्यूशन कर लिए थे और क्वेश्चन होमवर्क्स भी दिए थे। तो बहुत लोगों से नहीं बनाए हैं और कुछ लोग बनाए भी हैं, तो ऐसा करते हैं हम लोग चलिए जहां से छोड़े हुए हैं क्वेश्चन नंबर 4 से डिस्कशन शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ इस तरह से सवाल है, साइन टेन इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स। तो चलिए एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 5.4 का क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में अपने से मान लेते हैं लेट वाई बराबर साइन टेन इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स। ये सवाल है प्यारे छात्रों, तो चलिए इसको अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो इसको dy by dx करेंगे, क्योंकि हमको पूरा का पूरा जितना भी सवाल है प्यारे छात्रों 5.4 में सभी का हम लोग को क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है। तो 5.4 में y का वैल्यू अपने से मान लिए, हालांकि सवाल ये दिया हुआ था सिर्फ हम अपने से y बराबर मान लिए, तो इधर लिख दिए dy by dx इज इक्वल टू इधर लिखेंगे d sin tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स। अब आप खुद समझिए कि किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो साइन को छुपाएंगे तो जो बचेगा साइन को छुपाएंगे तो ये बच रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में करेंगे टेन इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स। अब चैन रूल बोलता है कि नीचे वाला को ऊपर लिखिए, टेन इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स, अब उसके बाद टेन इनवर्स को छुपाएंगे तो यहां लिखेंगे डी ई के पावर माइनस एक्स और फिर डी e के पावर माइनस एक्स। तो अब किसके रिस्पेक्ट में, तो d जो e के पावर में रहता है प्यारे छात्रों माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में और फिर d माइनस एक्स तब लिखेंगे x के रिस्पेक्ट में। यानी कि बिल्कुल आपको सिस्टमैटिक तरीके से चैन रूल अपनाना है। अगर आप इतना काम कर लिए तो 80% आप काम कर लिए, क्योंकि सब तो फार्मूला पे है, साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में जो ये चीज यहां होना चाहिए वही चीज यहां होना चाहिए, तो हम लोग फार्मूला पे आ गया। टेन इनवर्स एक्स को एक्स लिखते हैं, आपको पता है ना कि डी टेन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स का फार्मूला होता है 1/1 + x², इनवर्स वाला फार्मूला। तो यहां टेन इनवर्स के जो बगल में रहता है वही नीचे भी रहना चाहिए, तो टेन इनवर्स के बगल में ई के पावर माइनस एक्स है तो ई के पावर माइनस एक्स। यानी कि ऐसा ही चीज करना है जो बिल्कुल फार्मूला पे आए, और यहां से आप देख पा रहे होंगे e के पावर x होता था तो x के रिस्पेक्ट में, यहां e के पावर माइनस एक्स है तो माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिया और फिर नीचे वाला को ऊपर। अब जो इतना आप काम कर लिए तो बहुत सिंपल है प्यारे छात्रों, अब आंसर पे काम करना है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस, तो यहां लिख दिए कोस, और इसके बगल में क्या है इतना, तो इसके बगल में भी इतना लिख दीजिए टेन इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स, फिर इंटू है तो इंटू लिख दिए। टेन इनवर्स का क्या होता है 1/1 + x², तो 1/1 + x² ना, तो यहां x की जगह पे क्या है e के पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। एकदम बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, जो चीज एक्स स्क्वायर होता है तो x की जगह पे e के पावर एक माइनस एक्स है तो e के पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर इंटू e के पावर माइनस एक्स का माइनस एक्स का, तो वही का वही होता है, e के पावर एक्स होता है तो x के रिस्पेक्ट में खुद का खुद होता है ना, जैसे कि पिछले क्लास में थ्योरी में बताए थे e के पावर x का डी एक्स के रिस्पेक्ट में खुद का खुद होता है, तो यहां जब माइनस एक्स है तो यहां पे भी वही का वही रहेगा e के पावर माइनस एक्स, फिर इंटू, अब जब माइनस है तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस को बाहर कर लेंगे माइनस एक को तो dx बाय dx बचेगा, तो dx बाय dx का वैल्यू 1, यानी कि d माइनस एक्स है प्यारे छात्रों, तो d माइनस एक्स को लिख सकते हैं -1 × x/dx, और ये -1 को बाहर जब कर लिए हैं तो x x का वैल्यू 1 होता है और -1 को 1 से गुना करेंगे तो -1, तो कुल मिलाकर हम इसको जरा अच्छा से लिख लेते हैं, अच्छा से, तो अच्छा से लिखेंगे तो क्या होगा जरा समझिए, ये भी ऊपर है ये भी ऊपर है ए भी ऊपर है ए भी ऊपर है, तो माइनस है तो माइनस लिख दिया cos tan इनवर्स माइनस एक्स इंटू ई के पावर माइनस एक्स और बटा में क्या ये 1 + e के पावर माइनस
एक्स का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो जब पावर पावर रहता है तो गुना हो जाता है, तो माइनस टू एक्स भी लिख सकते हैं, टू को माइनस एक्स से गुना करेंगे तो माइनस टू एक्स। जरा आप आंसर देखते हैं कि किस फॉर्म में आंसर दिया हुआ है, क्योंकि आंसर थोड़ा सा कभी कभी मैच नहीं करता है तो उसको मिलाना पड़ता है। 5.4 का ये क्वेश्चन नंबर 4 है, तो बहुत बढ़िया मेरा आंसर आ चुका है, यही सवाल का आंसर है, बस अब ई के पावर माइनस एक्स जो है वो पहले है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस भी है सवाल में। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि चैन रूल का यूज करके आप डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। तो यहां 5 करेंगे, उसमें भी वाई बराबर ही मानेंगे, और उस सवाल को हम लोग कैसे करते हैं, सबसे पहले सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कैसे है क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 वाई बराबर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अपने तरफ से वाई मानना है लॉग कॉस ई के पावर एक्स, लॉग है कॉस है ई के पावर एक्स। तो मुझे उम्मीद है प्यारे छात्रों कि इसको आप कर लिए होंगे या फिर इसको बना भी सकते हैं। हम जरा आपको हिंट कर देते हैं, डीवाई बाय डी एक्स लिखिएगा, डी पूरा लिखिएगा लॉग कॉस ई के पावर एक्स, और किसके रिस्पेक्ट में, तो लॉग को छुपाएंगे क्योंकि लॉग एक्स का आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, चैन रूल का इस्तेमाल आखिर क्यों कर रहे हैं, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है ना 1/x होता है, कब, जब यहां पे x और यहां पे x होना चाहिए। तो यही कारण है कि यहां पे हम लोग अपने तरीके से उसको चैन रूल यूज करेंगे, तो लॉग को छिपाएंगे तो cos e के पावर x बचेगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो d cos e के पावर x बाय d e के पावर x, और नीचे वाला को ऊपर ले जाएंगे तब तक करना है जब तक कि नीचे dx ना आ जाए, अब काम कर लेंगे। और इसके बाद बहुत सिंपल, लॉग का क्या होता है 1/x, तो यहां लिख देंगे 1/x, x का मतलब टोटल cos e के पावर x, और इंटू cos का क्या होता है, तो cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, और बगल में क्या है e के पावर x, फिर इंटू e के पावर x का प्यारे छात्रों e के पावर x। तो इस तरह के से हम लोग का ये डिफरेंशिएशन का आंसर आ चुका है। अब इसका ऊपर वाला का खुद ऊपर रख देंगे और नीचे वाला का नीचे ही छोड़ देंगे, तो इसको लिख देंगे माइनस e के पावर x इंटू साइन e के पावर x और बटा cos e के पावर x। याद रखिए ये जो e के पावर x है ना, इसके एंगल में है, जैसे आप लिखते हैं ना साइन 90 डिग्री, तो ये डिग्री क्या है, साइन का एंगल है, वैसे ही साइन के ये कोण है। यहां पे ब्रैकेट दे भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, तो cos e के पावर x, तो इस तरीके से ये का आंसर है। चलिए अब सबसे इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है प्यारे छात्रों, क्वेश्चन नंबर 6 है। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है, हम पहले ही छोड़े थे कि हम खुद बनाएंगे, आपसे नहीं बनेगा, हालांकि आप ट्राई करेंगे तो क्वेश्चन आपसे भी बनेगा, क्यों जरा हम हिंट्स दे देते हैं या फिर देखते हैं बना भी देंगे। इसमें हम मान लेंगे लेट वाई बराबर जो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है जरा देखते हैं, ई के पावर एक्स एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 5, ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 ई के पावर एक्स के पावर 5। यानी कि प्यारे छात्रों हम यहां पे ये लिख सकते हैं कि y बराबर ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स के पावर 3 ई के पावर एक्स के पावर 4 ई के पावर एक्स के पावर 5 तक। यानी कि जब यहां पे कुछ नहीं है तो पावर 1 से स्टार्ट करते करते कहां तक जाना है, 5 तक जाना है। अब जब 5 तक जाना है तो सबका डिफरेंशिएशन करना है, तो सबका डिफरेंशिएशन करना है तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से लिखिए, डीवाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, इसका तो सिंपल है डी ई एक्स के पावर डी एक्स, ये तो फॉर्मूला पे आ रहा है, फिर प्लस। अब जरा इसको करते हैं, तो इसको करने के लिए लिखेंगे डी e के पावर एक्स स्क्वायर को किसके रिस्पेक्ट में प्यारे छात्रों, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, क्यों कि e के पावर जो रहता है उसके रिस्पेक्ट में करते हैं, और इनटू नीचे वाला को फिर ले जाएंगे ऊपर और अब कर देंगे dx के रिस्पेक्ट में। यानी कि जैसे हम लोग इसका कर रहे हैं फिर प्लस देंगे, फिर प्लस देंगे। अब e के पावर एक्स के पावर क्यू है तो यहां लिखेंगे क्या, डी e के पावर एक्स के पावर क्यू को किसके रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स के पावर क्यू के रिस्पेक्ट में, और फिर इनटू डी एक्स क्यू बटा डी एक्स।
ऐसे ही प्लस करते करते चार का भी लिखेंगे, ऐसे ही करते करते पांच का भी लिखेंगे। अब करते करते फिर आगे आएगा क्या e के पावर x का, तो इसका फिर बिल्कुल आंसर आ जाएगा e के पावर x, फिर प्लस इसको ब्रैकेट हम लोग देते जाएंगे, तो e के पावर x स्क्वायर को x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में e के पावर तो x स्क्वायर ही बनेगा, e के पावर x स्क्वायर ही बनेगा, और प्लस इंटू x स्क्वायर का क्या होगा 2x होगा, यानी कि यहां बनेगा 2x। वैसे ही जब इसका करेंगे तो यहां पे ब्रैकेट दे देंगे, फिर यहां पे प्लस देंगे, इसका करेंगे प्यारे छात्रों x के क्यू वाला, तो यहां आएगा e के पावर x के पावर 3 इंटू इसका बनेगा क्या 3x स्क्वायर। वैसे ही आगे करेंगे तो यहां पे x के पावर 4 वाला का जब अच्छा से लिखिएगा, हम लिखे नहीं है, आप इसका लिखिएगा, इसका लिखिएगा ऐसे ही, तो आपको आएगा e के पावर x के पावर 4 इंटू 4x क्यूब। फिर इसी को आगे लिखिएगा तो प्लस क्या आएगा, तो e के पावर x के पावर 5 इंटू 5x के पावर 4, इतना चीज आ जाएगा। तो आप चाहे तो इतना तक भी आंसर कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, नहीं तो फिर आप कुछ एलसीएम कॉमन भी कर सकते हैं, जैसे कुछ कॉमन करके इसका आंसर होगा, तो हम लोग इसका कुछ कॉमन करके भी आंसर करेंगे। जरा आंसर देख लेते हैं कि इसका आंसर जो है किस फॉर्म में है, और उस फॉर्म में रहेगा उसी फॉर्म में इसका हम लोग आंसर लाएंगे। तो बिल्कुल उसी फॉर्म में है, बस अब आपको क्या करना है अलग अलग कर देना, जैसे e के पावर x प्लस इस 2x को पहले लिख देंगे 2x e के पावर x स्क्वायर प्लस इसको पहले लिख देंगे, गुना में है तो हम कैसे भी लिख सकते हैं e के पावर x क्यूब, ऐसे ही सबको लिख देंगे और आंसर हो जाएगा। यानी कि 6 नंबर सवाल बहुत इजी था, लेकिन यहाँ पे इसका अलग, इसका चैन रूट, इसका चैन रूट, इसका चैन रूट का इस्तेमाल करके फिर इस तरह के आंसर लिख देंगे, और आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है तो हम लोग का ये सही आंसर है। चलिए 6 के बाद अब 7 नंबर में चलते हैं। ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक है, हालांकि ये भी कोई हार्ड नहीं है। चलिए यहाँ पे कैसे इस्तेमाल करना है हम लोग को चैन रूट, वो जरा हिंट्स कर देते हैं। तो यहां पे बता रहा है 7 नंबर सवाल में कि रूट है और e के पावर, क्वेश्चन नंबर 7, लेट y इज इक्वल टू रूट अंडर e के पावर रूट एक्स, ऐसा है, पूरा रूट में है, फिर क्या है तो e के पावर रूट एक्स है। जरा आप समझिए, आपको फॉर्मूला चूंकि पता है कि रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है x के रिस्पेक्ट में वो क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1/2 रूट एक्स। अब 1/2 रूट एक्स होता है कब, जब रूट के अंदर जो रहता है उसी के रिस्पेक्ट में करते हैं तब ना, जैसे मान लिया डी रूट साइन एक्स बटा डी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 1/2 तो लगाना ही लगाना है, ऊपर वाला लिख देते हैं रूट साइन एक्स। यानी कि हम यहां पे ये समझेंगे कि जो कभी भी फंक्शन रूट में होता है, जो कभी भी फंक्शन रूट में होता है उसके रिस्पेक्ट में करते हैं, रूट के अंदर एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में। तो चलिए यहां पे हम लोग को जो डिफरेंशिएशन करने के लिए मिलेगा डी रूट ई के पावर रूट एक्स, तो प्यारे छात्रों किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो जो रूट के अंदर में है उसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यहां हो जाएगा ई के पावर रूट एक्स। ये बड़ा वाला जो रूट है उसके अंदर में ये चीज था उसके रिस्पेक्ट में, और नीचे वाला को ऊपर भेजेंगे तो e के पावर क्या रूट एक्स। अब इसको किसके रिस्पेक्ट में, तो e के पावर वाला जो रहता है उसके रिस्पेक्ट में, यानी कि d रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर नीचे वाला को ऊपर ले जाएंगे तो रूट एक्स बटा dx। अब चलिए जब रूट का होता है, रूट का डिफरेंशिएशन का फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला है कि रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो यहां हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, तो यहां रूट जो है ई के पावर रूट एक्स इंटू ई के पावर एक्स का, एक्स के रिस्पेक्ट में ई के पावर एक्स होता है, तो ई के पावर रूट एक्स को रूट एक्स के रिस्पेक्ट में ई के पावर रूट एक्स, फिर इंटू रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो इस तरीके से हम लोग का आंसर आ चुका है। अब जरा इसका आंसर देख लेते हैं कि किस फॉर्म में है, और फिर उसी फॉर्म में हम लोग आंसर में मैच कर लेंगे, या फिर यहां तक भी छोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर, तो बिल्कुल ये भी सही है हम लोग का आंसर, क्यों,
क्योंकि ऊपर ऊपर तो यही बच रहा है ना, e के पावर रूट एक्स, तो e के पावर रूट एक्स और बटा टू टू जा कितना फोर, और ये भी रूट में है और ये भी रूट में है और गुना करना है। जैसे अगर आपको बोलेंगे कि रूट फोर है और रूट सिक्स है गुना करो, तो हम रूट फोर इन फोर सिक्स जा 24, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो चार छक 24, उसी तरह से रूट वाले के अंदर गुना हो जाएगा तो पूरा रूट क्या बचेगा, तो ये एक्स है और फिर इन टू ई के पावर रूट एक्स है, तो इतना चीज बच जाएगा हम लोग का। तो इस तरीके से 7 नंबर का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। चलिए फिलहाल हम लोग अब करते हैं 8 का, 8 किस तरह का सवाल है और उसको फिर देखते हैं उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 8 को जरा देखें, तो 8 बिल्कुल सिंपल है प्यारे छात्रों, लॉग लॉग एक्स है। 8 नंबर सवाल में लेट मान लेंगे वाई बराबर लॉग लॉग एक्स। अब ये लॉग लॉग एक्स क्वेश्चन है, हमें डीवाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग लॉग एक्स है, तो डी लिखेंगे लॉग लॉग एक्स। अब इसको किसके रिस्पेक्ट में, तो लॉग को छुपाएंगे, लॉग एक्स का लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में, और नीचे वाला कहां चल जाएगा ऊपर, इसको किसके रिस्पेक्ट में, तो लॉग को छुपाएंगे एक्स है। अब जब तक हम लोग करते हैं चैनल तब तक लगाना होता है जब तक कि डीएक्स ना आ जाए, तो डीएक्स आ गया। अब लॉग एक्स का 1/x होता है, तो लॉग है तो यहां लिखेंगे 1/x, लॉग एक्स होता तो 1/x लिखते हैं, तो लॉग लॉग एक्स है तो 1/log x। जरा इस समझिएगा, जैसे कि हम लोग डी लॉग एक्स होता है तो डीएक्स के रिस्पेक्ट में, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, लॉग पी का डीपी रहता तो हम लोग 1/p लिखते हैं, तो लॉग तो हट जाता है वो, यहाँ पी जो है 1/p हो जाता है, तो लॉग तो ये हट गया, यहाँ क्या था लॉग एक्स, तो 1/log x इंटू लॉग एक्स का क्या डिफरेंशिएशन, तो 1/x, और इसको अच्छे से लिख देंगे तो 1/x को पहले लिखेंगे तो ये मेरा आंसर मैच कर जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था 5.4 में, लेकिन आपको चैन रूल इस्तेमाल अच्छा से करने आना चाहिए और साथ साथ फार्मूला याद होना चाहिए कि लॉग एक्स का क्या होता है, e के पावर एक्स का क्या होता है, साइन वर्स टैन वर्स सबका यूज देखने को मिल रहा है। फिलहाल 9 नंबर क्वेश्चन, तो 9 नंबर कॉस एक्स बाई लॉग एक्स, तो बिल्कुल आपको हम हिंट्स के तौर पे वाई बराबर है कॉस एक्स बाई लॉग एक्स। तो प्यारे छात्रों ये हम एक फार्मूला ऐसे ही क्वेश्चन बना चुके हैं, आप इसको मानिएगा u और इसको मानिएगा v, तो u बाई v का फार्मूला आपको बताया है कि v को पहले बाहर निकालिए, du बाई dx कीजिए, फिर माइनस u को बाहर कीजिए dv बाई dx और पूरा का v स्क्वायर। तो आप इस फार्मूला पे इसको तोड़ेंगे तो बिल्कुल सही आंसर आएगा। तो प्लीज हम इसको बनाएंगे नहीं, आप खुद बनाइएगा और खुद बनाने के बाद अपना जो आंसर आएगा फिर बुक का आंसर को जरा देखिएगा कि किस फॉर्म में है, उसी फॉर्म में लाने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपसे नहीं भी आता है तो डोंट माइंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, आपका वो भी सवाल सही होगा अगर आप अच्छे से सॉल्यूशन करेंगे तो। चलिए 9 नंबर को हम छोड़ते हैं, बस अब हम हिंट्स कर दिए हैं कि यहां पर लगाइए यू बाई वी का फार्मूला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं, जरा 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कॉस लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स, तो ये भी ज्यादा हार्ड नहीं है, लेट मान लेंगे वाई बराबर कॉस के अंदर है लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स, ये है और बाद बाकी दिया है उसका कोई वैल्यू नहीं है, मेन यही सवाल है। आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहां लिखिएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी पूरा का पूरा कॉस लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स। प्यारे छात्रों यहां पे देखिए कॉस का ब्रैकेट लगा दिया है, मतलब कॉस के एंगल में है, और जब भी किसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो कॉस को छुपाएंगे, आप लॉग एक्स नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट में है, तो कॉस बाहर है और उसके अंदर में दोनों चीज है, इसलिए हम दोनों उतारेंगे। प्यारे छात्रों आपको लगता होगा कि कॉस पहले लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में करें फिर उसको, तो नहीं, क्योंकि कॉस के अंदर में इतना बड़ा है तो जिसके रिस्पेक्ट में करना है वो है लॉग एक्स ई के पावर एक्स। अब नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे तो डी
log x प्लस e के पावर x। अब किसके रिस्पेक्ट में? तो बिल्कुल अब dx के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि log x को तो हम लोग अलग तोड़ सकते हैं, जब प्लस माइनस रहता है तो उसको हम लोग अलग अलग तोड़ सकते हैं। चलिए अब हम लोग cos का क्या होता है, तो cos का होता है माइनस साइन और ब्रैकेट में जो है उसके अंदर वही लिख देते हैं log x प्लस e के पावर x और इनटू, जब हम लोग जानते हैं कि प्लस और माइनस में होता है डिफरेंशिएशन तो उसको अलग अलग तोड़ते हैं, तो यहां तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, log x by dx प्लस d e के पावर x by dx। तो इसको जरा अच्छे से लिख लेते हैं, माइनस साइन log x e के पावर x और इसका क्या होगा, log x का 1 by x प्लस e के पावर x का e के पावर x। तो इतना तक भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन आंसर को देख लेते हैं, इसका आंसर किस फॉर्म में है बुक में, तो 5.4 में जो आंसर दिया हुआ है, हाँ बिल्कुल सही आंसर है, बशर्ते इसको पहले कर दिया है, माइनस का माइनस लिखा है, इसको आगे कर दिया, इसको पीछे कर दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से 5.4 का ऑल क्वेश्चन, सभी का सभी क्वेश्चन, उसमें 10 क्वेश्चन था, हम लोग सभी का सभी क्वेश्चन को देखे, बहुत इजी वे में सॉल्यूशन हो रहा था। तो आज के वीडियो को, आज के क्लास को यहीं तक एंड करते हैं, अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 5.5 का थ्योरी। धन्यवाद।